गोल चार और अब मुंबई टीम के कोचिंग मैनेजर और ये प्रतिभागी ऑल इंडिया सर्विसेज बोर्ड का वॉलीबॉल इंटर स्टेट वॉलीबॉल टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है कुरुक्षेत्र में 20 से 24 तारीख तक। यहाँ 28 टीमें मेल कैटेगरी और 15 टीमें फीमेल कैटेगरी में भाग ले रहे हैं। टोटल 602 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि अभी ओलंपिक्स खत्म हुए हैं तो इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, तो इसी तरह हमें स्पोर्ट्स को और प्रोत्साहन देना चाहिए और गेम की स्पिरिट से खेलना चाहिए। तो ये इसी तरह ये वॉलीबॉल टूर्नामेंट और एक और कुरुक्षेत्र में ही शाहबाद में हॉकी टूर्नामेंट भी हो रहा है इंटर स्टेट जो है आपका ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज बोर्ड का, वो 23 से 30 तारीख तक आयोजित किया जा रहा है। किन प्रोटोकॉलों को ध्यान में रख के इसको प्रेगा? जैसा कि अभी कोविड का पूरा खतरा अभी टला नहीं है, तो DSS साहब ने बताया कि सभी प्लेयर्स का टेस्ट होके आया हुआ है। कोविड टेस्ट जिनका नहीं हुआ था उनको यहाँ पे हेल्थ टीम के साथ सहयोग करके किया गया टेस्ट, तो सब प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जा रहा है और सबको हर तरह की सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। कितनी टीमों ने आज हमारे पास 28 मेन टीम आई हैं और 15 गर्ल्स टीम आई हैं और हमारा जहाँ तक जो मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं ना हमारे पास सारी, उसमें जैसे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, MP, रांची, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और साउथ से हमारे पास टीमें हैं जो हैं तमिलनाडु, AP, तेलंगाना, ये मेन्स टीम है। केरला बहुत अच्छी टीम है, केरला टीम आई है। मैक्सिमम जो स्टेट्स कवर हुई हैं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की टीमें नहीं आई हैं,
और क्योंकि इनका लंबा सफ़र होता है कोविड की वजह से भी नहीं आई होगी शायद। चार दिन चलेगा यहाँ पर 20 से 24। और इसके अलावा हमारे ज़िले में ही कुशेत्र के पिशावर के अंदर हॉकी का भी ऐसा सेम टूर्नामेंट चल रहा है सिविल सर्विसेज, जो कि 23 को जिसकी ओपनिंग है और 30 को क्लोजिंग है उसके साथ। वहाँ भी अच्छा संभावना है, अच्छी एंट्रीज आ रही है हमारे पास। और एक तीसरा एक और चल रहा है हरियाणा में 18 से 20 कबड्डी भिवानी में चल रहा है, वहाँ भी बहुत अच्छी संख्या में खिलाड़ी पहुँचे हैं पूरे देश में। हरियाणा में ही ये जो गेम्स है, हाँ हरियाणा ने इनिशिएटिव लिया है, हरियाणा ने आगे बढ़ के एक्सेप्ट किया कि हम ये चैंपियनशिप कराएंगे, क्योंकि ये चैंपियनशिप ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुकी थी पिछली बार कोविड के समय में, तो लेकिन हरियाणा इनिशिएटिव लेके इसको जो उसका क्लोजिंग का समय था उससे पहले पहले खत्म संपन्न कराया है, ये लास्ट ईयर की हो रही है। सबसे पहले तो यहाँ के मैनेजमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इतनी बड़ी टूर्नामेंट जो कोविड की इसमें ली है, तो उसके लिए तो पहले तो ये मैनेजमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग पहली बार कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, तो लास्ट ईयर तो हम लोग फाइनल जीते थे, तो शायद इस बार भी कुरुक्षेत्र में जीतने के चांसेस अरे बने रहे, यही आशा आपसे करता हूँ। ये जो मैच करवाए जाते हैं किस प्रकार से देखते हैं, कितना उत्साह मिलता है? इस मैच का एक पर्पज़, एक अच्छा ये पर्पज़ है कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन जो डिपार्टमेंट में ज्वाइन करता है, आफ्टर ज्वाइनिंग किसी को इतनी खेलने की ये नहीं रहती, मतलब चाहे वो प्लेयर के साइड से हो या डिपार्टमेंट के साइड से। डिपार्टमेंट में होता है कि काम करना है, ये तो ये टूर्नामेंट ऐसा होता है कि जहाँ पे प्लेयर ऑन ड्यूटी रह के खेल सकता है, जो उसका पैशन है उसको बढ़ा सकता है और अपना पैशन अपने साथियों कलीग को डिपार्टमेंट कलीग को दिखा सकता है। इसका सिलेक्शन किस प्रकार से किया गया था टीम का, किस प्रकार से? जैसे अभी ये जो RSB है और दूसरा एक नाम आपने सुना होगा सेक्रेटरिएट, तो उसमें क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों जो रेवेन्यू के अंडर जो आती है वो सारी टीमें पार्टिसिपेट करती है। तो अभी जो देख रहा हूँ तो सेंट्रल की शायद 16 और स्टेट की 20 ऑलमोस्ट पार्टिसिपेट किया है सेंट्रल वालों टीम ने। तो इसका सिलेक्शन जो जोन वाइज जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे हम ये हमारा अगर एग्जांपल देना चाह तो हमारे मुंबई रीजनल बोर्ड ने पोस्टल, सेंट्रल GST, सेंटर उसके बाद GIS, नेवल डॉकयार्ड और इतने वॉलीबॉल में तो इतनी, मतलब हम लोगों ने देखे कि जो पार्टिसिपेट करते हैं सिलेक्शन ट्रायल को उसमें से बेस्ट 12 हम लोग सिलेक्ट करते हैं, उसका एक कैंप होता है 10-1 दिन का, तो उसके बाद हम लोग ज्वाइन करते हैं टूर्नामेंट। मैं उत्तराखंड RSB वॉलीबॉल टीम कैप्टन हरीश शर्मा और हमारे 14 मेंबर आ रखे हैं इसमें, और हमारी इसमें फर्स्ट टाइम जो है हमारे यहाँ गर्ल्स में RSB सेक्रेटरिएट की टीम फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया हमें, तो अभी फर्स्ट टाइम हमने इंट्रोड्यूस किया गर्ल्स को, तो काफ़ी अच्छा माहौल लगा हमें और थोड़ा सा यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इस पर तेरे ध्यान देकर थोड़ा मैच कराए जाए। इन गेमों के पीछे क्या उद्देश्य देखते हैं, किस लिए इन गेमों का आयोजन? इसमें सर सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें हम जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं वो उसमें सर हमारा डिपार्टमेंटल बड़ा ये इंक्रीमेंट लगता है इसमें, और लोग सभी अपना एफर्ट लगाते हैं ताकि हमारा जो लाइफ टाइम एफर्ट जो लगता है हमारा जो DOPT से हमारा लेटर इशू होता है उसके अकॉर्डिंग सर हमारा, ताकि हमारे इसमें लाइफ टाइम इंक्रीमेंट लग सके, और इसी के लिए सर अपनी पूरी खेल भावना से पूरी जान लगाते हैं और जितना विन फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस में जो नियम है हमारा तो उसके अकॉर्डिंग सर एफर्ट लगाते हैं, और हमारा मोटो ये रहता है कि हम तो आगे फ्यूचर हमारा अच्छा रहे। ब्राइट सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चौटाला में सर सीनियर नेशनल गोल्ड 2002 में जीता, फेडरेशन कप मैंने जीता और ऑल इंडिया विन किया मैंने, तो मैं उत्तराखंड से सर भारतीय डाक विभाग में सर एज ए स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट में हूँ। थैंक यू।